दोस्तों आज पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया है। निफ्टी या फिर आप सेंसेक्स की बात करें तो 3% से ज़्यादा के गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों ये गिरावट है या अपॉर्चुनिटी, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अब जो स्टॉक इतना ऊपर खरीदने के लिए तैयार थे, अब वो स्टॉक्स आपको 3% 4% 5% के नीचे गिरावट में मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हुई। ऐसे गिरावट में हमेशा आपको क्वालिटी बेस्ड स्टॉक पर SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। SIP इसीलिए क्योंकि दोस्तों अगर और गिरावट आएगी तो और नीचे आप खरीदने को आपको मौका मिल जाएगा। एक साथ सारे पैसे आप अगर झोंक दोगे तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर क्वालिटी बेस, इसलिए क्योंकि आपको ने देखा होगा जब मार्च में मार्केट गिरा था तो बजाज फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक काफ़ी नीचे काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे, और आज वही बजाज फाइनेंस जैसे क्वालिटी बेस्ड स्टॉक 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो दोस्तों ये वो स्टॉक हैं जिसको जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए। चाहे तो आप इसे अपने बच्चों को भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और काफ़ी तेज़ी से ऊपर ग्रोथ करते रहते हैं। खासकर इसमें सेफ्टी, यानी कि ये ब्लू चिप स्टॉक हैं, तो आपके कैपिटल की सेफ्टी बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए हमेशा आपको इन स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक की हम बात करेंगे जिसको आपको ज़िंदगी भर के लिए अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों पहला अपना स्टॉक देख लेते हैं, बजाज फिनसर्व। दोस्तों ये वो शेयर है जो कि 4500 तक गिरा था मार्च के टाइम में, और उसके बाद आपने देखा होगा ये शेयर 9000 क्रॉस कर चुका है, और आज इस शेयर में आप देखेंगे 4.5% की गिरावट आई है, यानी कि 420 पॉइंट की गिरावट, काफ़ी भारी गिरावट है। तो इस शेयर में आपको ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो ये आपको 30 जनवरी को बनाता हुआ दिखेगा 9950, यानी 10000 तक गया था। अगर वहीं बात करें गिरावट की तो आप देखेंगे मई में ये शेयर सबसे ज़्यादा गिरा था, 27 मई को ये बनाया था 3985 का अपना लो, उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। आज की बात करें तो आज इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेस पे क्वांटिटी नहीं उठाई गई है, यानी कि डिलीवरी बेस पे क्वांटिटी नहीं उठाई गई, सिर्फ 13% की डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों इस शेयर को आप SIP के थ्रू ख़रीदारी कर सकते हैं, और मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगा उससे आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं भी मार्केट जिस हिसाब से आप देखेंगे पिछले टाइम में, यानी मार्च के में जो गिरावट आई थी कितनी तेज़ी से बाउंस बैक किया था, वो मार्केट वी शेप में रिकवरी किया था, तो सेम टू सेम इस बार भी ऐसा होगा। कोई बड़ा क्रैश तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाला है, क्योंकि जो भी क्रैश आ रहा है उस हर गिरावट में आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेस पे बाइंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। अगर चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर अपने 20 दिनों के EMA के पास आके रुका है, यानी अगर शेयर आज के डे पे देखेंगे तो आज का लो इसके 20 दिनों के EMA के नीचे गया था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ये शेयर उसके ऊपर आके क्लोज हुआ है। अगर लो की बात करें आज तो 8576.30 पैसे का रहा है, और इस टाइम ये शेयर 8795 पे भी क्लोज हुआ था। अगर 20 दिनों के EMA की बात करें तो 8710 का है, यानी कि ये शेयर उसके देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो इसका 20 दिनों का जो EMA है वही सपोर्ट भी है, अगर ये शेयर उसके नीचे जाएगा तो इसमें भारी गिरावट आएगी, उसके बाद ये शेयर देखेंगे 7800 तक पहुँच जाएगा। तो यानी इस शेयर में ख़रीदारी SIP आप कर सकते हैं, शेयर बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी बेस्ड स्टॉक है, और जितना ये शेयर भागता है जितनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से नीचे आ चुका है, तो इस शेयर में आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं, रिलायंस। दोस्तों अगर ब्लू चिप स्टॉक की बात हो और रिलायंस की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिलायंस में भी आज काफ़ी तेज़ी गिरावट देखने को मिला, ये शेयर भी 3% तक आज गिरावट में देखने को मिला। तो अगर इनके हाई की बात कर लें तो आप देखेंगे 2369 का है, जो कि 16 सितंबर को इसने बनाया था, 866 रुपये ये अपना लो बना रहा था 23 मार्च को, यानी जब मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद इसी से कंपेयर आप करेंगे तो ये तिगुना पैसे कर चुका है। यानी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अगर 300% तक का रिटर्न दे देती हैं तो कमाल की बात है। अगर इसमें बात करें डिलीवरी की तो आप देखेंगे 28% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी बहुत ज़्यादा डिलीवरी तो नहीं उठाई गई है। लेकिन अगर इनके बात कर लेते हैं लेवल की, तो ये शेयर आज इसका लो देखेंगे तो 1800 के लेवल में भी चला गया था, यानी 1860 का अपना ये लो बना रहा था, और लेकिन मार्केट क्लोज होते होते काफ़ी इसमें ख़रीदारी हुई, और आप देख सकते हैं 1935 पे ये जाके क्लोज हुआ है। अगर इनके लास्ट लेवल की यानी सपोर्ट की बात करते हैं तो 1867 का इनका सपोर्ट है, जो कि 200 दिनों का इनका EMA है। तो इस लेवल को हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, ये शेयर उसके नीचे जाएगा तो फिर आपको 1600-1500 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस शेयर में भी SIP स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कब ये बी शेप में रिकवरी करे, और जो ये 3% 4% गिरावट हुई है
ये कब रिकवर हो जाएगा आपको पता है, जैसा रिकवरी आया था तो इस टाइम भी उतना ही तेज़ी से रिकवरी आएगा। तो इसीलिए SIP आप स्टार्ट करना ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है, और ये शेयर आप देखेंगे इसका लो देखेंगे 1783 रुपये तक गया था, जो कि 27 मई को गया था, और आज अगर देखेंगे तो 5303 का ये हाई बना रहा था 17 दिसंबर को, यानी अभी जल्दी। और इस शेयर में भी 4% 5% तक की गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छा है, SIP अगर अभी चाहे तो अभी आप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर जितना तेज़ी से भागा है उतना तेज़ी से थोड़ा सा करेक्शन तो भी आएगा भी। तो आप देख सकते हैं 14% तक की डिलीवरी आज उठाई गई है। तो इनका अगर चार्ट पे डिटेल देखें तो ये शेयर अपने 13 दिनों के EMA के पास आकर सपोर्ट लिया हुआ है, यानी आज क्लोज हुआ है। 13 दिनों का EMA है 4984 रुपये, और इस टाइम ये शेयर मिल चल रहा है 5006.50 रुपये का, यानी जस्ट उसके पास ही है। तो अगर ये वहाँ से करेक्ट होता है और नीचे आता है तो 4842 का इनका पहला सपोर्ट होगा। अगर वहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर से बाउंस बैक की कोशिश करेगा, अगर बाउंस बैक नहीं करता है तो फिर इसमें भारी गिरावट आएगा और 4300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इस शेयर में। तो SIP स्टार्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा SIP में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि बॉटम कहाँ बनना है। हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि ये शेयर यहाँ तक जाएगा, हो सकता है उसके नीचे भी जाए उसके ऊपर भी आ जाए। तो इसीलिए SIP आप करेंगे तो एक शेयर आप यहाँ पे खरीद लेंगे, दूसरा शेयर आप यहाँ पे खरीद लेंगे, तीसरा शेयर यहाँ पे खरीद लेंगे, तो जो आपका एवरेज बनेगा वो काफ़ी अच्छा आपको अच्छी प्राइजिंग मिल जाएगा, आपका कोई भी गिरावट छूटेगा नहीं। इसीलिए कह रहा है कि SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं, HDFC लाइफ। दोस्तों ये शेयर काफ़ी अच्छा है, और जिस हिसाब से मार्केट में पूरे सेक्टर में सिर्फ दो ही स्टॉक हैं, एक हो गया आपका SBI और एक हो गया HDFC, लेकिन मुझे लगता है ये शेयर काफ़ी क्वालिटी बेस्ड शेयर है, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 688.50 रुपये का है, जो कि 25 नवंबर को बना था, 340 रुपये का ये अपना लो बना रहा था 23 मार्च को, यानी जब मार्केट क्रैश हो रहा था। आज इस शेयर में 45% तक की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि इस शेयर को लेकर काफ़ी लोग बुलिश हैं, और हर गिरावट में हर कोई खरीदना चाहता है। और आपको पता होगा बजाज ग्रुप और HDFC ग्रुप काफ़ी तगड़े ग्रुप हैं, इनको हर कोई खरीदना चाहता है। ये शेयर अपने आप देखेंगे अपने 50 दिनों के EMA के पास आके रुका है 627.95 रुपये, और 50 दिनों का EMA इनका है 628.31 रुपये, यानी कि जस्ट उसके पास में आके रुका हुआ है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर से रिकवर करेगा, नहीं तो ये अपने 100 दिनों के EMA पे जाके सपोर्ट लेगा 607 रुपये का। अगर वहाँ पे नहीं जाता तो ये इसमें काफ़ी भारी से गिरावट आएगी, और 600 का लेवल तोड़कर उसके नीचे भी ये शेयर देखने को मिल सकता है। SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दोस्तों मैंने एक पैनी शेयर भी इंक्लूड किया हुआ है आज की डेट में, अगर देख लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल। अगर इस शेयर की बात करो तो इसमें आज भी तेज़ी देखने को मिली, यानी ये शेयर आज भी काफ़ी तेज़ भाग रहा था, लेकिन आज ये अपर सर्किट पे क्लोज नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। आप देख सकते हैं आज ये अपना हाई बना रहा था 6.70 रुपये, और आप देख सकते हैं उसी पर चल भी रहा है। तो देख लेते हैं अगर इसका लो देखें तो 90 पैसे का ये शेयर 6 रुपये तक भाग चुका है, यानी लोग खरीदने के लिए इसमें क्वांटिटी बेस पड़े हुए थे लेकिन कोई बेच नहीं रहा था, इसलिए लोगों ने इसमें खरीदारी नहीं कर पाए हैं। चलिए चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं। चार्ट पे डिटेल देखेंगे तो आज ये शेयर थोड़ा सा, यानी मार्केट क्लोज होते होते ये 6.65 रुपये पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है इसमें, यानी लास्ट होते होते इसमें भी लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हो सकता है कल ये लोअर सर्किट पे ओपन हो, तो इसमें ख़रीदारी अगर आपको करनी है तो अभी आपको मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। अगर 5.5 रुपये 10 रुपये के आसपास मिलता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका पर्पस है लॉन्ग टर्म तब आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले तो बने रह सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस 5 दिनों का EMA मान सकते हैं, जो कि है 6.13 रुपये का, उसको स्टॉप लॉस मानकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले अभी होल्ड करें, ये शेयर 10 रुपये 15 रुपये तक भी बड़े आसानी से जाएगा, तो अभी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, RSI के थ्रू देखेंगे तो ये शेयर ओवरबॉट जोन में चल रहा है, यानी कि करेक्शन पॉसिबल है जल्दी ही, तो देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं तो टाइटन कंपनी। आपको दोस्तों पता होगा ये शेयर काफ़ी मजबूत है फंडामेंटली, इस शेयर को खरीदारी तो ज़रूर करनी चाहिए। ये शेयर 1500 तक भागा था आज, 1528.55 रुपये का अपना ये हाई बनाया, उसके बाद देखेंगे इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया, और प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं और मार्केट का इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिस हिसाब से मार्केट का पूरा करेक्ट हो रहा था, तो इसमें
दोनों बातें कही जा सकती हैं। 3% से ज़्यादा की करेक्शन देखने को मिली। डिलीवरी की 20% तक डिलीवरी उठाई गई है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। अगर चार्ट की बात करें तो देखेंगे चार्ट काफ़ी तेज़ी से ऊपर ही जा रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म से, यानी काफ़ी पिछले कई महीनों से ये शेयर ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। बीच में छोटे मोटे करेक्शन तो आते रहते हैं, तो उसको उतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे हर कोई भी शेयर डायरेक्टली ऊपर ही नहीं जाता, थोड़े बहुत करेक्शन तो दिखाता ही है। सेम इस शेयर के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि आज मार्केट का इफेक्ट था, जो कि मार्केट काफ़ी अच्छी बात है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, नहीं तो ये शेयर 1500 तो क्रॉस कर ही गया था। तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये शेयर भी अपने 9 दिनों के EMA के पास जाके रुका हुआ है, जो कि 1469 का है, और इस टाइम ये 1464 पे आके रुका पड़ा है। तो देख सकते हैं वहीं इनका स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में करनी है। लेकिन अभी आप पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर लॉन्ग टर्म आपका पर्पज़ है तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है और हर गिरावट में इसमें आप ख़रीदारी कर सकते हैं, और जैसा मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आपको क्वालिटी बेस्ड स्टॉक जो कि बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, वो अब 3% 5% तक करेक्ट हो चुके हैं, तो अभी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।